वो क्लास सिक्स पुरानी क्लास में हमने पढ़ा था द अर्ली स्टेट्स के बारे में। इसमें हमने जनपद महाजनपद के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपने महाजनपद और कैपिटल्स अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। उसके बाद हम इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ चुके थे, मोनार्कीज़ और रिपब्लिक्स को डिस्टिंग्विश कर चुके थे, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे मगध के बारे में, जो कि एक पावरफुल महाजनपद था। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद इन द सिक्स्थ सेंचुरी दैट सब्ड्यूड मोस्ट ऑफ द 16 महाजनपद एंड रोज टू प्रोमिनेंस। तो ये मोस्ट पावरफुल किंगडम महाजनपद था उस समय का मगध। मैनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू मगध बिकमिंग अ डोमिनेंट पावर अमंग द 16 महाजनपद। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये इतना पावरफुल बना उस समय का, क्योंकि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में से एक मगध ऐसा महाजनपद था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो देखते हैं क्यों था। मगध वॉज लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स गंगा एंड सोन। तो जो मगध है वो गंगा और सोन के पास था। दिस मेड इट पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गंगा प्लेन्स द रिवर एंड द रिवराइन ट्रेड। बिसाइड्स अ परफेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन मगध हैज़ एन अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो देखो जिसके पास नदियाँ हैं ऑफकोर्स देखो बेनिफिशियल तो है ही भाई, नदियाँ हैं तो मतलब ट्रेड हो सकता है नदियों से, है ना। तो इसलिए भी ये पावरफुल था। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी थी, ये जो जहाँ था मगध वो बहुत अच्छी लोकेशन थी। इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी काफ़ी थी। द गंगा प्लेन्स वर फर्टाइल विच यील्डेड अ सरप्लस क्रॉप। तो जो गंगा प्लेन्स थे वहाँ पर अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन होता था जिससे अच्छा खासा सरप्लस भी निकलता था। तो एक बार हम इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन देखते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा मगध, ये रहा आपका मगध। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा फर्टाइल रीजन है, फर्टाइल रीजन की वजह से यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा है। और जब क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब किसी भी देश में किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में जब क्रॉप अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रेन हमेशा रहेंगे। द फॉरेस्ट रीजन प्रोवाइडेड टिम्बर एंड एलिफेंट्स दैट वर यूज्ड इन द आर्मी। उसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट भी थे काफ़ी सारे, जंगल भी थे जिनसे टिम्बर लकड़ी मिलती थी, और यहाँ पर एलिफेंट्स भी थे इन फॉरेस्ट में जो कि आर्मी में उस समय यूज़ किए जाते थे। द मगधन कैपिटल राजगृह वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाई 5 हिल्स विच प्रोवाइडेड अ नेचुरल डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद द थिक स्टोन वॉल्स दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द एनिमी टू अटैक मगध। इसके अलावा सबसे बड़ी बात देखो कि जो मगध की राजधानी थी राजगृह, वो आसपास 5 हिल्स ऐसे थे जो उसको सुरक्षा दे रहे थे, यानी कि 5 हिल्स थे जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, नेचुरल डिफेंस का काम कर रहे थे। नेचुरल डिफेंस क्यों? क्योंकि उन हिल्स को लोगों ने नहीं बनाया था, ये नेचर के थे, नेचुरल थे, तो इसको बोला गया नेचुरल डिफेंस सिस्टम। तो ये बड़ा ही मुश्किल था कि जो दुश्मन है वो मगध पर हमला कर पाए, क्योंकि ये 5 हिल्स थे जो प्रोटेक्ट करते थे। टू इंक्रीज इट्स टेरिटरीज मगध ऑल्सो कॉन्कर्ड नेबरिंग किंगडम्स। बिसाइड्स इंक्रीजिंग मगध टेरिटरी दीज कॉन्क्वेस्ट्स increase the revenue of the state as many territories were flourishing center of trade and commerce. तो उसके अलावा आपको पता है कि आपस में राजा लड़ते भी थे एरिया पाने के लिए, तो मगध के अंडर काफ़ी सारी टेरिटरी आई थी। उसके अलावा मगध की टेरिटरी जब बढ़ी, जब लोग बढ़ेंगे, जब टेरिटरी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, और जब टैक्स बढ़ेगा तो ट्रेड भी ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अच्छा खासा एरिया फ्लरिश हुआ। अब हम पढ़ते हैं बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार बिलोंग टू द हिरण्यका डायनेस्टी एंड रूल मगध फ्रॉम 544 BCE टू 495 BCE। तो जो बिंबिसारा थे वो हिरण्यका डायनेस्टी के थे, और ये इन्होंने राज किया कब से कब तक, 544 से लेके 495 तक। He established his capital at Rajgirha। अंडरलाइन करिएगा, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी उसको राजगृह को बनाया था अपनी कैपिटल। He was firm in administrative matters and did not tolerate inefficiency and corruption।
बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा थे ये, बिल्कुल करप्शन भ्रष्टाचार इन्हें पसंद नहीं था, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी एफिशिएंसी से चलाते थे। ही एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट्स एंड मैट्रिमोनियल अलाइंसेस। बिम्बिसार वॉज ऑल्सो नोन टू बी अ डिवोट बुद्धिस्ट, तो बुद्धिज्म को मानते थे ये। बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु, बिम्बिसार के बाद आए इनके बेटे अजातशत्रु, हु रूल्ड मगध आफ्टर हिज फादर्स डेथ टिल 462 BCE। थ्रू हिज मिलिट्री एक्सपीडिशंस ही फर्दर स्ट्रेंथन्ड मगध्स पोजिशन अमंग द 16 महाजनपद्स। तो बिल्कुल बिम्बिसार की तरह ये भी अच्छे राजा साबित हुए अजात शत्रु, और इन्होंने मगध की जो टेरिटरी थी, मगध का जो एरिया था वो बढ़ाया। अजात शत्रु थ्रू हिज कॉन्क्वेस्ट नॉट ओनली बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ही कंसॉलिडेटेड द मगधन एम्पायर लाइक हिज फादर। अजात शत्रु वॉज ऑल्सो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉज वेल नोन फॉर हिज मिलिट्री इनोवेशंस, तो मिलिट्री इनोवेशंस के लिए जाने जाते थे ये। अपने पिताजी की तरह ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, अपनी आर्मी को अच्छा मेंटेन किया हुआ था, इसके अलावा नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। बिम्बिसार एंड अजात शत्रु ऑल्सो बिल्ट सिटीज, टाउन्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। मगध हैड अ रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इट्स राइज। अदर किंगडम्स लाइक कोसला एंड काशी वर पावरफुल बट लैक्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एबल रूलर्स टू बिकम द सुप्रीम पावर। देखो ऐसा नहीं था कि बाकी महाजनपदों में सुप्रीम पावर बनने की कंडीशन नहीं थी या उनके पास वो नहीं था जो होना चाहिए था एक अच्छा महाजनपद बनाने के लिए, पर मगध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से 16 महाजनपद को पीछे 16 महाजनपद के बीच में इसने अपनी पावरफुल जगह बनाई, और वो था सबसे पहली इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। एक तो इसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर फर्टाइल लैंड थी और फॉरेस्ट अच्छे थे जिसकी वजह से रिसोर्सेज अच्छी थी। दूसरा, इनके रूलर्स काफ़ी अच्छे थे, जैसा हमने बिम्बिसार और अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। जब रूलर्स अच्छे होंगे तो वहाँ की जो किंगडम है, जो महाजनपद है, वो भी अच्छा होगा। तो हालांकि खोसला और काशी भी अच्छे बन सकते थे, पर थोड़ी कमी होने की वजह से एक अच्छे रूलर उन्हें नहीं मिल पाए, शायद इस वजह से वो महाजनपद में अपनी एक अलग जगह नहीं बना पाए। अब हम बात करेंगे इकोनॉमी की। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द 6th century। लैंड ओनर्स गॉट द लैंड कल्टिवेटेड बाय द शूद्रास और बाय दास। तो उस समय के जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे, अपनी लैंड को कल्टिवेट करवाते थे शूद्रास से और दास से। दास का मतलब होता है स्लेव। द दास मे हैव बीन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और पीपल हु प्रोबेबली ओन्ड मनी टू द लैंड ओनर। तो देखो ये दास प्रथा बड़ी ही ख़राब थी। दास एक्चुअली वो लोग होते थे जो, जैसे अब किसी टेरिटरी ने दूसरी टेरिटरी पर हमला किया तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने नहीं माना उसको राजा जिसने जीता, उसको ये लोग प्रिजनर्स बना लेते थे, कैद कर लेते थे वहाँ के लोगों को, और ऐसे कैद हुए लोगों से फिर अपनी ज़मीनों पर काम करवाते थे। इसके अलावा ज़मीनों पे वो लोग भी काम करते थे जिनका जो कर्ज़े में होते थे, जिन्होंने कर्ज़ा लिया होता था लैंड ओनर्स से। तो इस टाइप के दास से ये लोग अपनी जो ज़मीनें थी उनको कल्टीवेट करवाते थे। द वुडन प्लोशेयर वॉज रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लोशेयर। इट बिकेम ईजियर टू कल्टिवेट क्ले सॉइल विद एन आयरन प्लोशेयर। व्हेन कल्टिवेशन वॉज सिंप्लीफाइड मोर ग्रेन्स कुड बी प्रोड्यूस्ड। तो भाई आयरन आ गया था, आयरन के जो टूल्स थे वो यूज़ होते थे एग्रीकल्चर के लिए, और जब आयरन यूज़ हो रहा था तो अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि जब टूल्स अच्छे होंगे तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, तो ज़्यादा ग्रेन अब प्रोड्यूस हो पा रहा था। द फार्मर्स पेड टैक्सेस टू द स्टेट। द किंग हैड अपॉइंटेड एन ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्सेस। तो इसके अलावा टैक्स भी आता था, फार्मर्स टैक्स पे करते थे, भाई जब क्रॉप अच्छा होगा तो अपने आप जो लोग हैं वो टैक्स पे करेंगे। इसके अलावा जो ऑफिशियल थे वो टैक्स को कलेक्ट किया करते थे। द टैक्स वॉज कैलकुलेटेड टू बी 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। तो इस तरीके से होता था कि 1/6 जो पार्ट होगा प्रोडक्शन का वो टैक्स लिया जाएगा। दिस वॉज कॉल्ड बाग। इट वॉज पेड इन ग्रेन्स एज वेल एज मनी। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वर यूज टू पे टैक्सेस। डिफरेंट फिगर्स
were engraved on these coins and therefore the historians refer to them as punched marked coins. तो इनको पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला जाता था क्योंकि इस पर अलग अलग फिगर्स बने रहते थे, जो कॉइन होते थे, सिक्के होते थे, और कुछ लोग अपना प्रोडक्शन जो उगाते थे खेत में वो दे दिया करते थे, तो कुछ लोग कॉइन के थ्रू अपना टैक्स पे किया करते थे. सिल्वर एंड कॉपर वर यूज टू मैन्युफैक्चर पंच मार्क्ड कॉइन्स. इसको अंडरलाइन करिएगा कि सिल्वर और कॉपर यूज़ किया जाता था कॉइन बनाने के लिए. द किंग ऑल्सो अपॉइंटेड एन ऑफिशियल टू सर्वे द लैंड एंड मेजर द ग्रेन दैट वॉज टू बी पेड इन टैक्सेस. इसके अलावा जो किंग थे वो ऑफिशियल अपॉइंट करते थे जिससे कि वो लैंड का सर्वे कर पाएँ और कितना ग्रेन आना चाहिए ये भी कैलकुलेट कर पाएँ. टाउन्स एंड सिटीज केम ड्यूरिंग दिस पीरियड. मैनी towns and cities became centers that specialized in different crafts and occupations such as weaving, pottery and chariot making. इसके अलावा towns और cities भी बनने लगे, ऐसे ऐसे town बनने लगे जिनमें एक काम होता था, जैसे कि एक specific काम होता था. जैसे कोई एक आपने देखा होगा, जैसे हम अभी भी बात करें फिरोज़ाबाद, तो फिरोज़ाबाद में कांच का सबसे ज़्यादा काम होता है ना. तो इसी टाइप से वहाँ पर भी टाउन बने हुए थे, बनने लग गए थे, जिसमें वीविंग होती थी, पॉटरी होती थी, चैरियट बनते थे. Many towns and cities were denoted as urban centers. Literary texts like Jataka's mentions these flourishing urban centers which included Rajgira, Vaishali and Champa. Traders formed guilds and shrines during this period. Guilds were an organization of traders and merchants who had the authority and power to decide rules and regulations. तो उस समय गिल्ड्स बना करते थे. गिल्ड्स एक्चुअली उन ऐसे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स का ग्रुप था जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करता था कि किस तरीके से ट्रेड होगा, किस तरीके से व्यापार होगा. अब हम बात करते हैं एजुकेशन की. द टाउन्स एंड सेंटर्स दैट डेवलप्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी ऑल्सो बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन. ऑल्दो द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज स्टिल प्रीवेलेंट. तो इसके अलावा लर्निंग भी थी, एजुकेशन भी था, और जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस समय गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो भी थे. यूनिवर्सिटीज़ एट तक्षशिला एंड नालंदा केम अप. सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन, फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी एंड लॉजिक वर टॉट हियर. अब सोसाइटी कैसी थी, लोग कैसे रहते थे. द सोसाइटी ड्यूरिंग द महाजनपद कंटिन्यूड विद द कास्ट सिस्टम That was established during the Vedic period. तो वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा था किस तरीके से कास्ट सिस्टम लागू किया गया था, कि जो प्रीस्ट थे सबसे पहले पुरोहित थे, उसके बाद जैसे हम उसे बोलते थे ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्यास, और वैश्यास के बाद जो थे वो थे शूद्रास. तो इस तरीके से वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम जो आया था वो था इस समय पर. Now the caste system had become more rigid than it was during the Vedic period. पर वैदिक पीरियड में लोग काम के हिसाब से अपनी कास्ट डिसाइड किया करते थे, पर महाजनपद आने तक ये जो कास्ट सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया था. अब वही वाली बात थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, और जो शूद्रास थे उनकी कंडीशन वही रहेगी. द वर्णा सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड डिफरेंट वर्णास परफॉर्म फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द वर्णा दे वर बॉर्न इन टू. तो जो जिस फैमिली में पैदा हुआ है वो वही काम करेगा. द ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू टीच वेद्स एंड परफॉर्म रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस. जैसा कि जो ब्राह्मण्स थे वो वेद पढ़ेंगे, इसके अलावा रिलीजियस जितने भी काम होंगे वो करवाएंगे. द क्षत्रियाज वर द वॉरियर क्लास हु फॉट वॉर्स एंड प्रोटेक्टेड द पीपल. तो क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय के बच्चे होंगे वो भी क्षत्रिय ही बनेंगे, लड़ाई में जाएंगे. द वैश्यास वर द ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चरलिस्ट ग्रुप. तो ये थे आपके ट्रेडिंग ग्रुप. ओनली द फर्स्ट थ्री वर्णास ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज एंड वैश्यास वर परमिटेड टू स्टडी द वेद्स. तो इन्हीं तीनों को परमिशन थी वेद पढ़ने की, शूद्रास को वेद पढ़ने की परमिशन तक नहीं थी. शूद्रास वर द फोर्थ वर्णा हु वर कंसिडर्ड untouchable and were forced to live outside the city and perform all the menial jobs. तो menial jobs यानी कि छोटे और गंदे काम करने को दिए जाते थे इन्हें. इसके अलावा इनको छुआछूत का भी जो था वो सिस्टम शुरू हो गया था, यानी कि इन्हें छूना तक मना था. जो शूद्रास थे उन्हें छूना तक मना था, और इनको बोला जाता था कि तुम सिटी से दूर जाके रहो, तुम सिटी में भी नहीं रह सकते. अब हम बात करते हैं रिलीजन की. The 6th century also saw the origin of new religious movements.
बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो ये वो टाइम था जब बुद्धिज्म और जैनिज्म आ गए हमारे कल्चर। दीज न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स स्टेम्ड फ्रॉम द रिसेंटमेंट दैट द कॉमन पीपल स्टार्टेड फीलिंग टुवर्ड्स द एलैबोरेट एंड एक्सपेंसिव रिचुअल्स दैट हैड बीन प्रिवेलेंट सिंस द वैदिक पीरियड। तो ये तब हुआ जब लोग थोड़ा सा परेशान होने लगे कि इतना महंगा कैसे रिचुअल्स कर पाए। तो उस समय पे ये हुआ, पीपल नाउ डिज़ायर सिंपल रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट कुड बी इजीली फॉलोड बाय ऑल। तो पहले जो यज्ञ हुआ करते थे जो हमने पढ़े पिछले चैप्टर में, इसके अलावा जो ऐसे प्रैक्टिसेस होते थे जिनका जो प्रोसीजर था वो बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था, इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और अब लोग चाहते थे कि उन्हें एक सिंपल सा रिलीजन मिले, एक सिंपल से उसके रूल्स हों जिसे सब लोग फॉलो कर पाएँ। एंड द प्रॉब्लम वॉज द यूज़ ऑफ संस्कृत फॉर रिलीजियस पर्पजेज, कॉमन पीपल वर अनेबल टू अंडरस्टैंड संस्कृत। इसके अलावा दूसरा रीज़न था संस्कृत, सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ लिख पाते थे तो इसीलिए भी उन्हें एक ऑल्टरनेट रिलीजन चाहिए था। द पीपल मूव टूवर्ड्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विच प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द मासेस दैट इज़ प्रकृत। तो ये जैनिज्म और बुद्धिज्म आए जो कि उस समय प्रकृत लैंग्वेज में थे, इट इज़ प्रकृत लैंग्वेज में थे, जो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म लिखे गए थे, जो उनके टेक्स्ट थे वो इस लैंग्वेज में थे जो कि लोगों की समझ में आते थे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिड नॉट एडहेयर टू द कास्ट सिस्टम एंड द लोअर क्लासेस सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम। उसके अलावा जहाँ भगवान जी पर पूरा अधिकार ब्राह्मणों ने क्षत्रियों ने और वैश्यज ने जमाया हुआ था, तो जो शूद्रा क्लास थी जो लोअर क्लास थी उन्हें लगा कि भाई हमारे लिए तो यही सिस्टम सही है नया वाला जैनिज्म और बुद्धिज्म वाला, कम से कम हम इन लोगों के एक्सप्लॉइटेशन से तो बचेंगे। द फाउंडर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज दे ऑफर्ड अ सिंपल लाइफ, नो कास्ट डिस्टिंक्शन एंड नॉन वायलेंस। तो लोगों को बुद्धिज्म जैनिज्म इसलिए भी पसंद आया क्योंकि ये जो था ये बहुत सिंपल था, एक सिंपल लाइफ की तरफ इशारा करता था। इसके अलावा नो कास्ट डिस्टिंक्शन, इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, हर कोई बराबर था और कोई वॉयलेंस नहीं था। अब ये जो केस स्टडी है ये आप खुद करेंगे। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।